हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। कैथल का सरकारी अस्पताल एक बार फिर से डरा रहा है। रात के अंधेरे में फिर रेंगने लगा है खौफ और फिर से इंसान निशाने पर है। मुर्दाखौर लौट आए हैं और बच के रहिए, लौट आए हैं दरिंदे भी। तारीख 23 नवंबर 2016 एक खौफनाक खबर आई थी। हमने आपको खबर दिखाई थी, खबर खूंखार दरिंदों की थी। खबर थी लाशों को नोचने वाले दरिंदों की। लगभग 3 साल बाद लौट आए दरिंदे। दरिंदे लौट आए हैं, फिर से खौफ का साया है, फिर से इंसानी जिस्म खतरे में है। लाशों को नोचने वाले, लाशों को कुतरने वाले अब जिंदा इंसानों पर घात लगा रहे हैं, अब जिंदा इंसानों पर हमला कर रहे हैं। बात खूंखार चूहों की कर रहे हैं जिनका साम्राज्य है कैथल का सरकारी अस्पताल। दो फरी चूहे ने काट लिया तो एक दिन मुझे पता नहीं लगा, दूसरा दिन मुझे पता लगा कि मुझे चूहे काट रहे हैं। मैंने रोड़ा पा दिया, यहाँ पर थे जो मरीज थे, मरीज के साथ उन्होंने आके जुत्ती जाती है हमारी, तो चूहे दबाए मेरे पास से, तो फिर उन्होंने मेरे कपड़ा भी लपेटा, कपड़ा लपेट गया तो फिर मैं आराम से सोया। कमरे में हर रोज चूहे आ रहे हैं? हर रोज आ रहे हैं जी चूहे। इस बारे में आपने जो यहाँ अस्पताल में डॉक्टर वगैरह उनको ने बताया? उनको बताया था जी, मैंने मलहम भी मांगी थी, मुझे मलहम भी नहीं मिली है, दवाई लाने के लिए मांगी थी और दवाई भी नहीं मुझे मिली। ये चूहे पहले शव गृह में रखी लाशों को निशाना बनाते थे, लेकिन हिम्मत अब इतनी बढ़ गई है कि जिंदा इंसानों को भी छोड़ते नहीं है। मरीज सहमे हुए हैं और उनके परिजनों में भी खौफ है। समस्या ही है जो मरीज पड़े हैं, मरीजों ने बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, जिसकी टांग में दर्द था, टांग में दर्द के कारण इसका डॉक्टर ने टीका ला दिया नशा का, ताकि इसका दर्द ना हो। इसने नींद आएगी, नींद आने के बाद चूहे ना काटने लगे, तो वो तो साथ में एक मरीज पड़ा था, वो तंदुरुस्त था, उसने उठ के मतलब चूहे ने दबाया, दर्द जाएगा ही बचा। अब आपको प्रत्यक्ष दर्शी लोगों से सुनवाते हैं, सुनिए कैसे बाकी मरीज भी परेशान हैं, बेखौफ क्यों है, कैसे आतंक मचाते हैं, सुनिए कैसे मरीज सहमे हुए हैं। जे सोवा दे चूहे नहीं सोन दंदे, रात को ऊपर चढ़ा है जी, ना अमर पट्टा ही दंदे दे, हाथ का लट्टा वा बैठ बैठ कर कदे उस बेड पर चढ़ता, कदे उस बेड पर चढ़ता, फिर वो नीचे बैठ जाए। सिस्टम की लापरवाही से लाश नोचने वाले दरिंदों के हौसले बुलंद हो गए। अब तक मुर्दाखोरी करने वाले आदमखोर चूहे जिंदा लोगों का शिकार करने लगे और अस्पताल प्रबंधन कहता है इंतजाम होगा, बचाव होगा। इसमें मेरे अभी पता लगा है कि ये किसी मरीज को चूहे ने काट लिया है। वैसे हमारे किसी कंप्लेंट फोर मरीज ने इस तरह की कोई कंप्लेंट नहीं की है, अगर फिर भी किसी मरीज को ऐसे साथ हुआ है तो गलत है। हम अभी कोशिश करेंगे कि आगे से ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए और जल्दी जल्दी चूहे की रोकथाम की व्यवस्था करेंगे। अरे डॉक्टर साहब, पहले भी ऐसा ही आश्वासन मिला था, पहले भी चूहों का आतंक सामने आया था, तब भी हरियाणा न्यूज ने खबर दिखाई थी, आपको जगाया था। अगर आपने पहले ही इस पर मुकम्मल एक्शन लिया होता तो ये मुर्दाखोर आदमखोर न होते, ये दरिंदे फिर से लौट कर न आते। कैथल से विपिन शर्मा की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज़।